अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, जो जो मस्जिद में जो जमात होती है उसको छोड़ने के क्या बहाने हो सकते हैं जो कि हम छोड़ सकते हैं, गुनाह नहीं मिलेगा? शरई और उज्र क्या जब है अगर वो छोड़ेंगे तो शरी, हाँ शरी बहाने क्या हो सकते हैं, वो गुनाह नहीं मिलेगा? जी शेख कि जमात की नमाज चूंकि वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना मुसलमान मर्द पर वाजिब है, तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी बुनियाद पर शरीयत हमें रुख्सत देती है कि आप जमात में ना जा करके घर पे नमाज पढ़ लें? तो जी अगर कोई आदमी बीमार है तो बीमार आदमी घर पे नमाज पढ़ सकता है। इसी तरह से मान लीजिए अगर बारिश हो रही है, बारिश में मस्जिद जाने में आपको परेशानी होती है तो आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बारिश हो रही थी तो आपने ऐलान करवाया कि सल्लू फी रिहालेकुम, अपने अपने खेमों में जहां पर हो वहीं पर नमाज पढ़ लो। इसी तरह से अगर कोई भी ऐसी परेशानी है कि आपको मस्जिद जाने में हरज और मशक्कत है, ज्यादा मान जी लीजिए बहुत सख्त ठंडी है, इतनी सख्त ठंडी है कि आप मस्जिद जाएंगे तो बीमार हो जाने का खदशा है। एक तो नॉर्मल चीज ठंडी होती है और एक ऐसी ठंडी है कि अगर आप घर से निकलकर मस्जिद तक गए तो आप बीमार हो सकते हैं, तो ये भी उज्र है घर में नमाज पढ़ने का। तो खुलासा ये कि आपके पास ऐसा उज्र हो कि मस्जिद जाने में इतनी शदीद परेशानी हो जिसको आप नहीं झेल सकते तो जी आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं।